जिला कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने टीवी डे पर कहा कि पिछले आंकड़ों में ये पाया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान इतनी मौतें नहीं हुई जितनी टीवी संक्रमण के कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गुप्ता ने कहा कि टीवी एक क्रॉनिक बीमारी है और एनटीपी कार्यक्रम के तहत इस बीमारी को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और इसमें जनता का भी पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को टीवी उन्मूलन कार्यक्रम में 50 लाख प्लस आबादी वाले देश में शामिल किया गया है और टीवी उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश को लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा को सब नेशन सर्टिफिकेट में सिल्वर मेडल के लिए उपयुक्त पाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ये रास्ता लंबा है और जब तक इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक हमें अपने प्रयास जारी रखने होंगे। एक क्रोनिक बीमारी है और इसमें जो जितना संक्रमण दर है और साथ में इसकी वजह से जो मौतें होती हैं, जो पिछले साल के आंकड़े में ये पाया गया कि टीबी की वजह से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई कोविड के मुकाबले, हालांकि कोविड का दौर था फिर भी टीबी के साथ जो मॉर्टेलिटी हुई ज्यादा हुई। सरकार नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एनटीपी के अंतर्गत हम भारी भरकम प्रयास कर रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए और हमें जनता का सहयोग मिला है, आपका सहयोग मिला है। आज वर्ल्ड टीवी डे है, आज भारत सरकार द्वारा जो है वो सेट फार्मूला के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट की स्टेट्स की परफॉर्मेंस जज की गई और हिमाचल को 50 लाख प्लस पॉपुलेशन वाली स्टेट्स में, बड़ी स्टेट्स की कैटेगरी में लगातार तीसरे साल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जिला कांगड़ा को जो सब नेशनल सर्टिफिकेशन थी उसके अंतर्गत सिल्वर मेडल के लिए उपयुक्त पाया गया, जिसके लिए मेरे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सारे बधाई के पात्र हैं। पर अभी ये रास्ता लंबा है, हम जब तक इस बीमारी को जड़ से कंट्रोल नहीं कर पाते तब तक हमें सभी को प्रयास करना चाहिए पड़ेगा और इसके लिए मेरे को आपकी, मीडिया के दोस्तों की, समाज की, सभी के सहयोग की अपेक्षा है। केस बड़ा सिंपल और क्रिस्प, अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, बुखार है या सडन वेट लॉस है, आप उन लक्षणों को ना छिपाएं, तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य संस्थान में अपनी जाँच कराएं। अगर आपका समय से इलाज शुरू हो जाएगा तो ये बीमारी 100% क्यूरेबल है और सारा इलाज सरकार द्वारा मुफ्त दिया जाता है।